जय माता दी। आज माँ बगला मुखी का एक ऐसा कल्प विधान जो गुप्त शत्रु मर्दन भी है। जी हाँ, बगला मुखी जो आठवीं महाविद्या है हम सब जानते हैं, तो उनका एक ऐसा मंत्र जो बहुत ही गुप्त है, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी ब्लॉग का लिंक भी दे रहा हूँ, जहाँ पर इसका मैंने सारा विनियोग, आपका जो करण न्यास, हृदय न्यास, ध्यान और जो जितना भी है मंत्र और जो इसका कवच है, सब जो है उसमें डाल दिया है। तो आप उस लिंक पे जाएंगे तो आपको इसकी सारी डिटेल्स मिलेंगी। बगला मुखी, जिनके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, आज के टाइम में कलयुग में सब जानते हैं। स्तंभन शक्ति, हमारे जितने भी दुश्मन हैं, नोन अननोन छुपे हुए हैं, आज हमें ही नहीं मालूम कौन हमारा दुश्मन है। तो जो ये जो कल्प विधान है, ये आपके छुपे हुए दुश्मनों को भी जो है ख़त्म कर देता है। सिर्फ आप इसको पढ़िए। आप अगर माँ बगला मुखी की साधना नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ पूजा पाठ से भी आप उनका फल पा सकते हैं। तो जो मंत्र है वो मैं एक बार बोल देता हूँ, बाकी जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक में दे रहा हूँ ब्लॉग, उस ब्लॉग से जाके आप इसकी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं मेरे। और बाकी अगर किसी ने बगला मुखी का अनुष्ठान कराना हो या कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो नीचे हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दीक्षा के लिए या अनुष्ठान के लिए। तो जो मंत्र है वो मैं बोलता हूँ, स्त्रोत्र और बाकी सब चीज़ें जो हैं लिंक में दी जाएंगी। ओम ऐं ह्रीं श्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वश्यं कुरु कुरु क्लीं क्लीं ह्रीं हों फट स्वाहा। ओम हलं बगलामुखी श्री बगलामुखी दुष्टान भिंदि भिंदि छिंदि छिंदि पर मंत्राण निवारय निवारय वीर चक्र छेद्य छेद्य बृहस्पति मुखम स्तंभय स्तंभय। ओम ह्रीं अरिष्ट स्तंभनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी हों फट स्वाहा। जी हाँ, इसका एक माला जाप किया जाता है और उसके बाद इसका जो स्त्रोत्र है वो पढ़ा जाता है। जो भी इसका एक महीने तक सुबह दोपहर शाम तीन टाइम में जाप कर लेता है, तो पूरी ज़िंदगी उसका कोई दुश्मन नहीं रहता। ज़िंदगी की हर तमन्ना, हर ख्वाहिश उनकी पूरी होती है। जितनी भी खुशियाँ हैं जीवन में, वो सब उसे मिलती ही मिलती हैं। तो माँ भगवती से, माँ पिताम्बरा से आप सबके लिए शुभकामना करते हुए जय माता दी।